बहकी सभी जुबा है हम है हजारों में ये छह सात दिन से नहाया भी नहीं है इंसान, वैसा का वैसा है। बहुत बेइज्जती हो गई। स्नैपचैट बॉय है ये, कैसा लग रहा है स्नैपचैट बॉय बनके? अच्छा लग रहा है। नाक पे पहनते हैं ऊपर कौन पहनता है ऐसा मेरे को बोला गया। मैं यहाँ पहनता हूँ, यही पहनते हैं भाई, यहाँ पहनते हैं चश्मा पहनने के लिए। गोल्डी भाई का बॉडीगार्ड है। एक दिन उसका साइज वीडियो में दिखने रहा है, वो बंदे का रैंडम दिख गया था मेरे को। एक दिन रात को गोल्डी भाई आए थे तो अचानक से उसको साथ में लेके आए थे। बाउंसर बॉडीगार्ड टाइप जेंटलमैन है वो, और उनकी जो मैंने साइज देखी है ना, रात को रैंडम बंदा ऐसा दिख गया मेरे को, मेरी गांड फट गई थी, मेरी हवा टाइट टट्टी निकलनी बाकी थी, सिर्फ मेरी गांड फट गई थी कि ये घर के अंदर ही आदमी कौन आया है। ह्यूज मतलब गांड इसके लिए फटी थी कि कुछ कर भी नहीं पाऊंगा मैं, कौन है ये, मतलब ये अगर मेरे को एक पंच दिया तो मैं मर जाऊंगा ऑन द स्पॉट डायरेक्ट। एक दिन एक एक बार गोली भाई रात को आए थे, बहुत लेट नाइट आए थे या शायद सुबह आए थे, पता नहीं, मैंने देखा नहीं था। ये रैंडम दिख गया मेरे को, मैं ऐसा उतर रहा तो रैंडम ऐसा सामने आ गया, लेजिट टट्टी निकलनी बाकी थी, सिर्फ सिर्फ टट्टी निकलनी बाकी थी। ह्यूज है आदमी, ह्यूज एज फक। इग्नोर करो, जैसे तुम लोगों की एक्स ने तुम लोग को इग्नोर किया वैसे तुम इसको इग्नोर करो। सो गाइस फाइनली द बॉक्स हैज अराइव्ड, बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे ये हुआ था कि बहुत अच्छा थोड़ा सा हमने, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से चीप टॉक्स किए थे डबल मीनिंग, बट आदि के माइक पे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो गोल्डी भाई को अनफॉर्चुनेटली इसको वापस एक बार वॉइस ओवर देना पड़ा। वॉइस ओवर क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे माननीय आदि जी ने हग दिया, आज बोला है, मेंशन किया, माइक को म्यूट करना, अनम्यूट करना भूल गए कैमरा के। एनीवेज कोई बात नहीं, मेंशन किया है यहां पे, ओके सही सही, दोबारा से अनबॉक्सिंग का कोई पॉइंट नहीं था। सो दिस बॉक्स इज अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ। ये बॉक्स के ऊपर एक वुडन बॉक्स भी आता है गाइस, दीस आर रूमर्ड टू बी जस्ट 50 पीसेस इन द वर्ल्ड। इसका वुडन बॉक्स है नहीं, यू कैन सी 12 नंबर बॉक्स जो है ये आउट ऑफ 50 है। दिस इज द शू विद इन इटसेल्फ, रेड लॉबस्टर्स, अमेजिंग शू। ये शू अपने में एक आर्ट है, अपने में एक हिस्ट्री है। सो वेरी ओल्ड पेयर, 2005 और 2007। यार पता नहीं, मैं मेरा लुक देखो बे, ऐसा देख रहा कि मतलब मेरे को, मेरा शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मन में बोल रहा हूँ भैंस और 8 नंबर होता ना, गायब था गोल्डी भाई ये जूता, गायब था, गायब, उड़ा लेता है जूता, मतलब मेरा शक्ल देख रहा कैसा देख रहा हूँ मैं जूते को। अमेजिंग शू, ये शू अपने में एक आर्ट है, अपने में एक हिस्ट्री। देखो माँ का हम बैंच, सिर्फ इमेजिन करो ना, वॉइस ओवर डालो यहाँ पे, माँ का हम बैंच, अगर होता 8 नंबर का तो उड़ा देता बैंच, निकलवा लेता यहाँ से बैंच। देखो सेम सेम एक्सप्रेशन है, सर वेरी ओल्ड पेयर 2005। अरे कमेंट भी किया है किसी ने क्या? ओ ये कमेंट भी किया किसी ने, ओ फक, ये मैंने नहीं देखा था। अच्छा कमेंट भी किया किसी ने, एवरीवन कैन इमेजिन व्हाट शी वाज थिंकिंग व्हाइल होल्डिंग द काज 8 नंबर का होता। अब यार आई के लुक देखो ना मैं, हिस्ट्री है, सर वेरी ओल्ड पेयर 2005 और 2007 आई एम नॉट श्योर। और ये है इसका बैंड, जो बैंड जो ब्लू कलर का है। इसके साथ ओरिजिनल बॉक्स में और भी बहुत सारी चीजें आती थी, बट ये है इसका बैंड, डिफाइंस फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अब आप देखो एंजॉय भाई का लॉ। ओह शिट, यहां पे मेरा वो गंदा वाला जोक भी डाला है क्या? अरे यार नहीं डाला, नहीं डाला, कट किया, कट किया, अच्छा हुआ, वो मैं बोलते ही समझ गया था कि अगर ये गया फाइनल एड में तो लौड़े लग जाएंगे। उल्टा डाल दिया, देखो जॉर्ड नहीं मार सकते उल्टा डाल दिया एमन कब तो सीधा डालना शुरू करेगा। तुम हंसो मत मोटका, तुम ये जिस तरह के स्माइल डाल रहे हो ना, समझ रहे हो तुम्हारा मतलब क्या है। क्या कर रहे हैं जीत भाई? क्या हो गया? पैनिक पैनिक पैनिक, आराम से, वो उसका वो होल छोटा है। अबे यार डाल दी है वो भाई। मैच स्टार्ट हो गया क्या? नहीं कैसे ये ऐसे यस
जरा रॉकेट ही उड़ाते हो ना वो बड़ा ऊपर से पकड़ो जोर से भी छोड़ दो। ओह ओह थैंक यू। तो बाकी सब जिन जिन का बचा है जो व्लॉग देख रहे हैं व्लॉग देख के मुझे डीएम कर लेना या नमन को कर लेना या थक को कर लेना। थोड़े से ही बचे हैं तो आई थिंक ओजीज में सबको जा चुके हैं। तो गाइस ये था रेड लॉबस्टर। इसी के साथ मेरा लॉबस्टर कलेक्शन में एक येलो रह गया और एक ब्लू रह गया, तो तीन लॉबस्टर्स हो गए मेरे पास। येलो का तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता। क्या अफोर्ड कर नहीं सकता येलो को? क्यों? बहुत महंगा है, $90,000 का है। मतलब अफोर्ड तो कर सकते हो बट माइलस्टोन क्या है जिसपे आप लोगे? ये क्वेश्चन माइलस्टोन ये है कि जब हमारा एसए ड्यूएल या 8 बिट का पहला आईपीओ निकलेगा तो ले लूंगा तुरंत। तो ले लेंगे तुरंत। तो ये गोल है आईपीओ निकलने के बाद वो ले लेंगे तुरंत ले लेंगे। इसमें ये जूते की वैल्यू से ज्यादा ये इसका वैल्यू है, इसको सजा के रखना पड़ेगा। सब देखा है तूने, एक्टिंग कर रहा है स्ट्रीम पर। इसको रिएक्ट भी नहीं करूंगा। रंजीत भाई डब्बा उप्पा फेंक मत देना, तुमको फेंक दूंगा उठा के। ब्रो एक दिन मेरी गांड फट गई थी, पता नहीं मैंने तुम लोगों को बोला है कि नहीं। मेरे बहुत टाइम पहले 2 महीने पहले गोल्डी भाई तक भाई कोई नहीं थे यहाँ पे रूम की मेरी सफाई हुई, मैं रूम में है मेरे 15-20 स्नीकर के डब्बे गायब, एक डब्बा नहीं। मेरी गांड फट गई थी रात को 10 बजे ना, मैं पूरा घर ढूंढ रहा था, भाग रहा था, मैं सीसीटीवी में आया भी होगा, मेरी गांड फट गई थी। वो रखे हुए थे बट उन्होंने नसीब से। मामा अर्थ यूज करते रहो और जो जो स्पॉन्सर मेरे पास नहीं है वो सब यूज करते रहो। आप स्पॉन्सर देख रहे हो तो देख लेना, यूज कोड एसेट्यूएल 2021 2022 फॉर मामा अर्थ प्रोडक्ट्स। आईपीओ मतलब यार अभी समझा था यार, ये पढ़ी लिखी बातें मत किया करो भाई मेरे स्ट्रीम पे, पढ़ी लिखी बातें मत किया करो भाई स्ट्रीम पे। बता दिया ऑलरेडी आईपीओ क्या होता है, बोला तो सही। 246 होलसम, वो ओ वाला था क्या? हाँ ओ वाला था, ठीक है। और क्या कमेंट्स आए? कैनॉट वेट फॉर सच लविंग मूवमेंट, कैनॉट वेट फॉर सच लविंग मूवमेंट। लव की मूवमेंट देखनी है आप क्या? हाँ क्या है? इनका बचा है जो व्लॉग देख रहे हैं व्लॉग देख के मुझे डीएम कर लेना या नमन को कर लेना या थक को कर लेना। थोड़े से ही बचे हैं तो आई थिंक ओजीज में सबको जा चुके हैं। तो गाइस ये था ओजी। प्राइस ऑफ द शू मेरे को नहीं मालूम यार। 136 द वे सेड भाई लुक। हाँ मैं अभी मैंने इस नोटिस कर लिया भाई।